हेलो फ्रेंड, मैं गणेश कुमार, गणेश टिप चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल नंबर से आप गैस का सब्सिडी चेक कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आप गैस का सब्सिडी अपने मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हो, आप घर बैठे ऑनलाइन, और आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा। अगर आपका सब्सिडी आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आ रहा होगा, आपके अकाउंट पर नहीं आ रहा होगा, तो आप उसे यहाँ से ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कैसे करना है, कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तब वो करना क्या है, कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है और आपका यहाँ पे सर्च कर देना है माई एलपीजी। जैसे माई एलपीजी यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे myLPG.in, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे जान पा रहे होंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इंडियन का दिखाने वाला हूँ। अगर आपको और भी किसी का चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं एक नया और फ्रेश वीडियो आपको ला करके दे दूँगा। तो आपको इंडियन वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जो कि इंडियन का जहाँ पर सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको करना क्या है, इंडियन वाले पे आ चुका है। अगर आप यहाँ से चाहे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद, आप यहाँ पे साइन इन करने के बाद, आप यहाँ से सारा सब कुछ अपना डिटेल्स देख पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ऐसा बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आपके पास आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक फीडबैक का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, गिव योर फीडबैक ऑनलाइन। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपके पास ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। और आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जो एलपीजी दिख रहा है, एलपीजी और सिलेंडर का है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे फीडबैक देने के लिए। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपल सा करना है कि यहाँ पे माई सब्सिडी आपको यहाँ पे लिख देना है, माई सब्सिडी, ठीक है। जैसे यहाँ पे माई सब्सिडी यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको सब्सिडी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे सब्सिडी रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है, तो सब्सिडी रिलेटेड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके पास कैटेगरी यहाँ पे आ चुका है, बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक और साइड में दिख रहा होगा यहाँ पे सब कैटेगरी वाले में आपको यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सब्सिडी नोट रिसीव्ड, ठीक है। आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो चीज़ आ जाएगा। यहाँ पे एक आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो आपके एलपीजी सिलेंडर में रजिस्टर्ड होगा, या फिर आप यहाँ पे एलपीजी आईडी भी दे सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे 16 डिजिट का होता है। हम यहाँ पे अपना सिंपल सा मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर दे दिया हूँ यहाँ पर दोस्तों मैं, और यहाँ पर जो सबमिट वाले ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर सिंपल सा क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबमिट वाले ऑप्शन पे एक बार से नहीं होगा तब यहाँ पे दोबारा भी इसे आप प्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा है यहाँ पे खुल करके आ चुका है दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सारा सब्सिडी का जितने भी चीज़ें यहाँ पे सब कुछ आ चुका है। जिसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कंप्लेंट नंबर, जो कंप्लेंट नंबर भी आया ना, ईमेल आईडी, यहाँ पे नंबर भी देख सकते हैं आप यहाँ पे जिसके नाम से, उसका नाम भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इसका पिन कोड भी दिख जाएगा कि यहाँ पे कहाँ का सिलेंडर है। मैंने उत्तर प्रदेश का चेक किया हूँ, और आप यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया का इसी तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको कोई बदलाव यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं होगा। तो मेरे पास जो सब्सिडी जो रिसीव हुआ था, 5 सब्सिडी आपको भी दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि सब्सिडी में कितने रुपए का मिला हुआ था, वो भी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि सब्सिडी अमाउंट जो है, सब्सिडी अमाउंट कितनी रिटर्न आया था, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हर एक मंथ में अलग अलग सब्सिडी अमाउंट रिसीव हुआ था, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ दोनों हाथों से पकड़ करके जैसे आप इसे प्रेस करेंगे, आपको इस साइड की तरफ आपको दोनों उंगली को आप यहाँ पर टच करना है, और आपको यहाँ पर
स्लाइड करना है। इससे यहाँ पे देखेंगे कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ पे शो कर देना है, ठीक है। यहाँ देख रहेंगे कि यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी है यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेट कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले जो आपको यहाँ पे दिखता जो था वो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिखता था कि आप कौन सा बैंक है, वो भी यहाँ पे बैंक नेम भी दिखता था। अगर आप यहाँ से कोई भी कंप्लेंट करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी मंथ में आप सिलेंडर लिए हैं और आपको यहाँ पे सब्सिडी रिसीव नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी आप यहाँ से कंप्लेंट करने के लिए आपको यहाँ पे चूज कर लेना कि कौन सा सब्सिडी जो है वो आपके अकाउंट पे नहीं आया है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन रहा, जैसे यहाँ पे टिक कर देंगे आप। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। या फाइनल अटैचमेंट भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, या फिर आप जिस भी बैंक में आपका सब्सिडी आता है उस बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो अटैच वाले बटन है इस पर अटैच करने के बाद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।